शर्मा फ्रॉम एस एन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 बेटा फाइबर टू फैब्रिक। देखो इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था फैब्रिक्स क्या होते हैं, यर्न क्या होता है, फाइबर क्या होता है। फाइबर क्या है, सबसे थिनेस्ट स्ट्रैंड किसी भी फाइबर क्या है, किसी भी फैब्रिक, जैसे फैब्रिक में सिल्क फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है, नायलॉन फैब्रिक है, किसी भी फैब्रिक की सबसे छोटी स्ट्रैंड होती है, छोटा धागा होता है, दिस इज कॉल्ड फाइबर। धागे मतलब यर्न का भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। कभी कॉटन को देख, कॉटन को आपने वूल, ऊन होती है, ऊन को जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाओ करते, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड फाइबर। कुछ बहुत सारे फाइबर्स को मिला के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट बनता है यर्न, और यर्न को मिला के कोई भी फाइबर बनता है, राइट, किसी भी फैब्रिक का, राइट बेटा, फाइबर से फैब्रिक। चलिए इसमें हमने दो टाइप के फाइबर पढ़े थे, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हम नेचुरल चीज़ से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि जूट फाइबर जूट प्लांट से, कॉटन फाइबर कॉटन प्लांट से, राइट बेटा, और सिल्क सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से, राइट बेटा। फिर उसके बाद हमें रहता है सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ती है, अरे डिमांड बहुत ज़्यादा है क्लॉथ की, फाइबर की, तो इसके लिए हमने फैब्रिक्स को बनाने के लिए हमने केमिकल कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए, इसको सबस्टांस यूज़ किए, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, जिसका मैन मेड, जैसे कि पॉलिस्टर नायलॉन की सॉक्स वगैरह नहीं होती, जिसका सिंथेटिक फाइबर, ठीक है बेटा। फिर हमने इन प्लांट्स के बारे में, कॉटन प्लांट्स क्या हैं, क्या क्या बनाए जाते हैं, कैसे कैसे इनको ऑब्टेन किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, एंड जूट, राइट बेटा। अच्छा चलो, फिर उसके बाद हमने कहा था स्पिनिंग, स्पिनिंग हमें पता है स्पिनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न, यर्न मतलब स्मॉलेस्ट थ्रेड, मतलब धागा, किसी भी फाइबर का एक स्मॉलेस्ट यर्न बनाने कहते हैं स्पिनिंग। पहले टाइम में यही काम किसे कहते हैं, चरखा, सुना है अपने गांधी जी का चरखा, चरखा चलाते थे, राइट दैट लाइक दैट, उससे किसी भी फाइबर की छोटा सा स्ट्रैंड बनाया था। पर आजकल ये बड़े बड़े पैमाने पर किस पर बनाया जाता है, मशीन्स द्वारा बनाया जाता है, राइट बेटा। उसके बाद इसमें बहुत सारे यर्न से फैब्रिक बनाने का तरीका, फर्स्ट है वेविंग। वेविंग घर में सुना ना, मम्मा को धागे लेके दो सेट, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यर्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग, बुनना, आपने देखा है ना, अरेंजिंग टू, दो सेट लेते हैं, उन दोनों से मिला के किसी भी फाइबर से फैब्रिक बनाया था, इसे कहते हैं वेविंग, बुनना, राइट। चलिए वेविंग एंड, अच्छा चलो वेविंग क्लियर है, टू सेट ऑफ दैट, लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप्स लेते हैं, चलो देखते हैं क्या है। टेक टू शीट्स ऑफ पेपर और डिफरेंट कलर्स, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड मतलब लंबी लंबी उसकी पट्टियाँ काट लो, ठीक है, इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ईच अ शीट, नाउ फोल्ड बोल द ट्वेल्थ इंटू हाफ, हाफ से उन्हें फोल्ड कर लो एंड वन शीट ड्रॉ लाइन एज शो, देखो जैसे इस पेपर्स में दिया ना, इस मैप से इन्हें ड्रॉ करना शुरू करो, राइट, वन बाय वन इस टाइप से स्ट्रिप, कहते हैं काट के इन्हें आपस में से अरेंज करना शुरू करो, राइट, एंड द अदर एंड शो बट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड, वेव द स्ट्रिप वन वन, इसी टाइप से वेविंग की जाती है। देखिए वेविंग करने के लिए देखो यहाँ पर ऐसे हैंडलूम से देखो इस टाइप से अरेंज किया जाता है, यस, द यर्न आर मच थिनर, बहुत पतले हैं, पेपर स्ट्रिप से भी बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तो फैब्रिक को कैसे लूम्स बनाए जाते हैं, लूम्स के अकॉर्डिंग, लूम्स जो बनाए थे, देखिए बना रही है ना लेडी, हैंड लूम्स के अकॉर्डिंग धागे से किसी भी फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है, राइट बेटा। फिर है निटिंग, निटिंग बुनना, अपने घरों में बुनती है ना मम्मा, दादी बुनती है ना, सॉक्स बनाती है, स्वेटर्स बुनाती है, दिस इज कॉल्ड फैब्रिक। इसमें वेविंग में निटिंग में क्या डिफरेंस है, वेविंग में टू थ्रेड चलते हैं किसी भी फाइबर के, टू थ्रेड चलते हैं, टू यर्न चलते हैं, लेकिन निटिंग में एक सिंगल यर्न ही यूज़ होता है, और उससे पूरा का पूरा फैब्रिक, किसी फैब्रिक के पीस को बनाया जा सकता है, जैसे कि आपके सॉक्स हैं, ठीक है। निटिंग आज के टाइम पे हैंड पे भी की जा रही है, बाय मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मटेरियल, बस क्लॉथ मटेरियल, चलो अब तक तो हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़ लिया, पढ़े क्लॉथ मटेरियल की क्या हिस्ट्री है, आपको पता है फर्स्ट टाइम बहुत ओल्डेस्ट टाइम में लोग क्या पहना करते थे, बड़ी बड़ी बार्क पत्ती, पेड़ों की छाले होती है ना, बार्क होती है, उनको बड़ी बड़ी पत्तियों से, ट्री की बड़ी बड़ी पत्ती निकाल के उसे अपनी बॉडी को कवर करते थे, या एनिमल्स को मारकर उसकी स्किन से अपनी बॉडी को कवर करते थे, वॉर्म रखने के लिए और कवर करने के लिए, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ है, लोगों ने एग्रीकल्चर यानी कृषि करना शुरू कर दिया, तो उसे बहुत सी चीज़ों के बारे में लर्न टू वेव ट्विग्स, छोटे डंडियों से, घास से मैट्स, चटाइयाँ बनाई, बास्केट्स बनाने शुरू किए, जैसे कि आज भी साउथ में बनाते हैं ना, छोटे ट्विग्स से बास्केट्स बनाते हैं जिन्हें हम घरों में यूज़ करते हैं, लकड़ी की बास्केट, वाइन, एनिमल फ्लीस, एनिमल्स के फ्लीस से मतलब, एनिमल फ्लीस मतलब हेयर्स, जैसे कि शीप के वो नहीं होते हेयर्स, फ्लीस, उनसे फाइबर बनाना शुरू किया, हेयर वाइट ट्विस्टेड टुगेदर टू लॉन्ग, एक बड़ा स्ट्रैंड बनाकर, राइट। देन अर्ली इंडस्ट्री वॉर फैब्रिक मेड अप ऑफ कॉटन, सबसे पहले जो इंडियन ने जाना था कपड़े बनाने के, वो था सबसे पहला कॉटन,
कॉटन। फिर दूसरा आया फ्लैक्स। फ्लैक्स एक प्लांट्स है, कहाँ पर पाया जाता है भाई, गंगा रिवर के पास में पाया जाता है। फ्लैक्स एक प्लांट है जो देता है नेचुरल फाइबर। पुराने टाइम में इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल के पास। दोनों ही फाइबर कपड़ों के फैब्रिक के लिए उगाए जाते थे प्लांट, कॉटन और फ्लैक्स, जिसे कि डिफरेंट फैब्रिक्स बनाए जाते थे। उन दिनों में स्टिचिंग के बारे में तो कोई जानता नहीं था, सिंपल बड़े बड़े जैसे कहते ना कपड़े तैयार किए और उन्हीं को बॉडी पर रैप कर लिया जाता था, ड्रैप कर लिया जाता था, उससे बॉडी को कवर करते थे। जैसे साड़ी नहीं होती, एक लंबी स्ट्रैंड होता है, कोई कटिंग नहीं होती, उसे रैप करके राइट इस टाइप से लोग किया करते थे। पर धीरे धीरे जैसे इन स्विंग मशीन का इन्वेंशन हुआ, निडिल बनी, लोगों ने स्टिचिंग के बारे में जाना, तो धीरे धीरे नए नए टाइप के कपड़े पहनने लगे। आपको पता है आज के टाइम में साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन जैसे ना पगड़ी, वो आदमी के अनस्टिच मटेरियल है राइट, किसी फैब्रिक का पीस होता है अनस्टिच यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल के टाइम में तो डिफरेंट टाइप, बहुत सारे टाइप, कंट्री बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के पहनावे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी के फैब्रिक्स हैं आज मार्केट में, है ना, और क्लॉथ हैं बहुत सारे जिन्हें स्टिचिंग के द्वारा एक नए नए रूप दिए जाते हैं। राइट बेटा, अच्छे से लर्न करना। गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।